अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? देख रहे हैं जुनैद बर्ड से भी। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम अपने बर्ड्स को अंडे किस तरह दे सकते हैं। अंडा तो वैसे मैं ब्रेड में देता हूं, लेकिन आज मेरे पास ब्रेड अवेलेबल नहीं थी, तो मैं अंडे केक में मिक्स करके देता हूं। और ऊपर आज एक इजाफी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ये देखें आप, ये देख सकते हैं कि मेरे पास प्योर हल्दी है। और इस हल्दी को इस संडे में किस तरह देखते हैं, तो वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। और इसके बेनिफिट्स और देने का तरीका कार और कितने दिन बाद देना है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले ये फार्मूला हम तैयार कर लेते हैं, फिर मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। आ जाओ जैन, केक को लो। ये सैन मेरे साथ जो है ना, ये फार्मूला तैयार करवाएगा मुर्गियों के लिए। जैन, ये केक को छीलो। अंडे ये पड़े हुए हैं, अभी उबाल के लाएँ, काफ़ी गर्म है। ऐसे ऐसे करो जैन, ऐसे 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 करो। ये आप ले लो, बस और भी लेना है? अब ये जैन कह रहा है मुझे भी दे दें। हाँ, ये ले लो बस। अच्छा, ऐसे ऐसे करो। अब पहले ये सारे केक वैसे बारीक करना है, फिर उसके बाद वो आप ले लो, साइड पे हो जाओ, ठीक है। और ये अंडे आप देखें, अंडे का छिल्ले को उतारने की ज़रूरत नहीं है। बहुत गर्म है, अभी अभी मैंने उबाल के लाया, बहुत गर्म है, हाथ ही नहीं लग रहा। और इस अंडे को थोड़ा सा तोड़ते हैं, ऐसे करके ऐसे मारते हैं। गर्म ही बहुत ज़्यादा है, ये देखें, ये उबला हुआ अंडा है, आप देख सकते हैं, ये भी उबला हुआ है। देन थोड़ा सा पीछे हो, मैं इनको मिक्स करूं। आप पीछे नहीं आओ ना, वीडियो बने। ये चूचू को देंगे, मुर्गियों के लिए बना हुए, ये मुर्गियों के लिए दें। आपने खाने, आपको घर में और उबाल के देंगे, ठीक है। ये तो मुर्गियों के लिए फार्मूला बना रहा हूँ। अच्छा दोस्तों, इसको देने का फ़ायदा ये है कि एक तो आपके मुर्गियों को जो कच्चे अंडे देने की जो मसला आ रहा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। उसके अलावा जो अंडे की छिलका पतला आता है, अंडे देती हैं मुर्गियाँ, वो भी ख़त्म हो जाएगा। तीसरा, इसमें कैल्शियम की कमी की वजह से ये अंडे का छिलका पतला होता है, तो वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें प्रोटीन वगैरह सब कुछ इसमें पूरी हो जाएगी। और इसके ऊपर हल्दी डालने का फ़ायदा ये है कि इस तरह आपने सबको पहले सबको मैश करना है। हल्दी अभी नहीं डालनी, हल्दी डालने का एक ख़ास तरीका है, और कितनी क्वांटिटी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इसको सारी तरह मैश करें, इस तरह बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। और दूसरा, महीने में अभी गर्मियों का मौसम है, तो जून का महीना है, तो महीने में मैं 15 दिन बाद ये खुराक ये फार्मूला बना के अपनी मुर्गियों को देता हूँ। सर्दियों में तो इसकी और रूटीन होती है, सर्दियों में देने का तरीकाकार मेरे चैनल पर वीडियो पड़नी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। तो गर्मियों में देने का तरीका यह, एक तो एक और जैतून के तेल में भी देने का एक फार्मूला मैं बनाता हूँ, वो उसकी अलग वीडियो है, वो अभी बनाई नहीं है। तो सर्दियों वाली बनी हुई है चैनल पर, गर्मियों वाली नहीं बनाई उसकी, क्योंकि क्वान्टिटियाँ मुख्तलिफ हो जाती हैं। अच्छा, इतना बना दिया, उसके बाद ये डब्बी खोलते हैं। जैनी, इसको खोलो, ऊपर से घुमाओ, खोलो खोलो, खोल के दो मुझे, जोर लगाओ ना, जोर से खोलो, मुझे तो आपसे खोल ही नहीं रही। अच्छा, ये मैंने हल्दी ले ली है, कितनी क्वांटिटी में लेनी है आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये अभी मैंने ले लिया हल्दी, आपको दिखाते हैं। ये देखें, ये बोतल थी, अभी इसमें से तकरीबन मैंने एक चम्मच टीस्पून चाय वाला ले लिया, और इसको इस तरह आहिस्ता आहिस्ता सब पे छिड़कते हैं, आहिस्ता आहिस्ता, एक दफ़ा एक जगह नहीं डालनी, क्योंकि ये गुठली बन जाती है। अब इसको ढकने को साइड पर रख के इसको कर लेते हैं बंद। इसको बंद करने के बाद अब इसको आपने ऐसे ऐसे हाथ से मिक्स करना है। मुर्गियों को मैंने अंदर बंद किया हुआ है, क्योंकि मुर्गियां तंग करती हैं, ये मुझे फार्मूला बनाने नहीं देती, सारी आ जाती हैं खाना खाने के लिए। तो ये देखें, इस सारी को इस तरह मिक्स करते हैं। अच्छा, सुबह के टाइम आपने देना है, ठंडे टाइम पे देना है, दिन में गर्म टाइम में नहीं देना, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है अंडे की। तो आपने ठंडे टाइम पर देना है, ताकि मुर्गियाँ खाएँ और ऊपर से पानी वगैरह पिएँ, उनको मोशन वगैरह भी ना लगें, ज़्यादा देने से मोशन भी लग जाते हैं। तो चलें, ये तैयार है फार्मूला, अभी इसको जैन थोड़ा सा पीछे हो, पीछे हो बेटा, इसको ज़मीन पे डाल देते हैं, क्योंकि ज़मीन पे वो आसानी से खा लेती हैं, दो जगह पे डाल देते हैं, अक्सर लड़ती भी हैं मुर्गियाँ।
इस बास्केट को उठा लेते हैं, और मुर्गियां अंदर बंद की हुई हैं, इसी वजह से बंद की हुई हैं कि वो मुझे बनाने नहीं दे रही थी। अभी दरवाज़ा खोल के मैं आपको दिखाता हूँ। जैन आगे से हटो, आओ पीछे से मुर्गियों को बारिश। जैनी इधर अंदर आ जाओ, मुर्गियों को बारिशी को, ये वाली हैं उनको बाहर मारो, पीछे जाओ, पीछे पीछे से मारो बाहर। ये अभी देखें सारी आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रही हैं, मारो मारो सबको, मार मार। ये देखें ये सारी आ रही, ये अभी आराम से, ये देखें बस छोड़ दो, बस बस देनी, बस बस अब नहीं मारना, अभी खाने दो इनको। ये देखें माशाल्लाह बहुत शौक से खा रही हैं, बस इधर ही खड़े हो जाते हैं ना, आगे नहीं जाना, आगे फिर ये डरती हैं ना, फिर ये भागती हैं। अब ये सारा खा जाएंगी, ज़रा भी नहीं छोड़ेंगी, इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स है, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, इनमें जो जो मसले मसाइल हैं वो सब ख़त्म हो जाते हैं, कैल्शियम के, प्रोटीन के, अंडे कच्चे देने का मसला, फर्टिलिटी, और जो मुर्गों को आप खिलाएंगे तो उसमें ये जो है कि फर्टाइल जो अनफर्टाइल एग्स जो आते हैं मुर्गियों के नीचे लोग रखते हैं और अंडे सारे मुर्गियाँ गंदे कर देती हैं, उसमें ये मसला होता है, अनफर्टिलिटी होती है, तो ये फार्मूला देने से इंशाल्लाह आपकी मुर्गियों के तमाम मसले मसाइल ख़त्म हो जाएंगे और कितनी बीमारियों से भी वो बच जाएंगी। तो ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह लाजमी कर दीजिएगा, चैनल अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, बेल आइकन को लाजमी बताएं ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की वीडियो, तो वीडियो नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।